Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stuff. Save more, serve more. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट अंतरिम बजट पेश किया। जैसी उम्मीद थी, बजट में सरकार ने रेल सेक्टर पर अपना फोकस बनाए रखा और कई बड़े ऐलान भी किए। क्या था सरकार के बजट पिटारे में रेलवे सेक्टर के लिए? क्या ये उम्मीदों के मुताबिक रहा? और बजट अनाउंसमेंट के बाद रेलवे शेयरों ने कैसे किया रिएक्ट? जाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। बजट के बाद भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को बूम कर गया। निफ्टी 50 ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए अपना ऑल टाइम हाई 22,126 का आंकड़ा टच कर लिया। लेकिन जहां एक तरफ ऑयल गैस सरकारी बैंकों से लेकर मेटल रियलिटी सेक्टर में तेजी रही, वहीं बजट से पहले जो रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही थी, वो बजट ऐलान के बाद सुस्त पड़ चुके थे। शुक्रवार को IRFC 0.6% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं RVNL में 1% की गिरावट देखने को मिली। वहीं राइट्स की अगर बात करें तो इसमें करीबन 3% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग के वक्त शेयरों ने रिकवर किया और 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग में भी 0.2% की गिरावट रही। शेयरों को लेकर डिटेल एनालिसिस से पहले ये जान लेते हैं कि बजट में रेलवे के पाले में क्या आया। इस बार के बजट में सरकार ने रेल यात्री सुविधाओं को बेहतर से लेकर रेल नेटवर्क को एक्सपैंड करने तक कई ऐलान किए। सरकार ने करीब 40,000 सामान्य बोगियों को स्टैंडर्ड वंदे भारत बोगियों में बदलने की बात कही। साथ ही बजट में 3 नए बड़े रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया। इसमें पोर्ट कनेक्टिविटी, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर शामिल होंगे। इसके अलावा हाई डेंसिटी कॉरिडोर भी होगा। इसका मकसद गुड्स का फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है। वहीं नए वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय रेल का कैपेक्स 2.55 लाख करोड़ की राशि निर्धारित की गई। चलिए एक बार वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। रेलवेज 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स विल बी इंप्लीमेंटेड। दीज आर एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, नंबर 2 पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, एंड नंबर 3 high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. ₹40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. बजट एलोकेशन की बात करें तो सरकार पिछले वर्ष बजट में रेलवे पर 2.40 लाख करोड़ रुपए के एलोकेशन करने का ऐलान उसने किया था और इस साल सरकार ने भारतीय रेलवे का एलोकेशन 2.55 लाख करोड़ रुपए फिक्स किया है। बता दें, ये साल 2013-14 के एलोकेशन का 9 गुना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रेलवे स्टॉक में आई रैली को बजट पेश होने के बाद ब्रेक लग गया? दरअसल बजट से पहले रिपोर्ट्स आ रहे थे कि रेलवे का कैपेक्स 2023-24 के बजट अनुमान से लगभग 25% बढ़ सकता है, जिससे 2024-25 में बजटीय एलोकेशन 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना निराशा की वजह बन गया। वहीं सरकार के रेलवे को लेकर कोई क्रांतिकारी ऐलान नहीं किया जाना भी एक बड़ी वजह रही। चलिए अब शेयरों की बात कर लेते हैं। IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर बात करें तो 1 फरवरी को बजट से पहले शेयर ₹169.90 के ओपनिंग प्राइस से उछल कर करीब ₹183.25 पर पहुंच गए। हालांकि बजट के ऐलान के साथ ही शेयर धड़ाम होकर ₹168.20 के लेवल तक पहुंच गया था। वहीं 2 फरवरी की अगर बात करें तो IRFC ने 172 रुपए
50 पैसे शुरुआत की, लेकिन शुक्रवार को 0.6% गिरकर या 168.95 रुपए पर बंद हुआ। पिछले एक महीने में IRFC ने 67.39% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में IRFC ने 277.85% का रिटर्न दिया है। वहीं एक साल की अगर बात करें तो IRFC के शेयर 482.22% चढ़ चुके हैं। पिछले 5 सालों में इसने निवेशकों को 581.05% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं RVNL की, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड की। 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले शेयरों का प्राइस 313.95 रुपए था और ओपनिंग के साथ इसमें उछाल देखने को मिला, या 318.85 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि बजट के ऐलान के साथ ही शेयर 249.45 रुपए के लो को हिट कर गए। वहीं 2 फरवरी की अगर बात करें तो RVNL ने 300 से ओपन किया। शुक्रवार को ये 287.20 रुपए के लो तक पहुंच गया, लेकिन क्लोजिंग से थोड़े वक्त पहले इसमें करीबन 0.6% की बढ़त देखने को मिली। पिछले एक महीने में RVNL ने 50.07% का रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने में RVNL के निवेशकों को 139.05% का मुनाफा हुआ है। एक साल की अगर बात करें तो RVNL ने 307.68% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 1392.41% का रिटर्न दिया है। अब बात राइट्स की कर लेते हैं। 1 फरवरी को बजट से पहले इसका शेयर प्राइस 755.30 रुपए था, जो इसका ओपनिंग प्राइस है। वहां से इसमें उछाल देखने को मिला और ये 766 रुपए तक पहुंच गया था। हालांकि बजट के ऐलान के साथ ही शेयर गिर पड़े और यह 696.40 रुपए पर पहुंच गए। वहीं 2 फरवरी की अगर बात करें तो राइट्स 702.95 रुपए के ओपनिंग के साथ शुरू हुए और शुक्रवार को एक ऐसा भी समय आया जब शेयर 694.10 रुपए के लो को हिट कर गया। हालांकि ये रिकवर हुआ और 1% की बढ़त के साथ ये 698.60 रुपए पर बंद हुआ। रिटर्न की बात करें तो पिछले एक महीने में राइट्स ने 36.84% का रिटर्न दिया है और 6 महीने में अपने निवेशकों को राइट्स ने 54.58% का रिटर्न कमा कर दिया है। एक साल में राइट्स ने 115.12% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 288.57% का रिटर्न दिया है। अब बात टैक्स मार्को रेल एंड इंजीनियरिंग की कर लेते हैं। 1 फरवरी को बजट से पहले इस शेयर की ओपनिंग 223 रुपए पर हुई थी और इसमें उछाल देखने को मिला, ये 229 रुपए तक पहुंच गया था। हालांकि बजट के ऐलान के साथ ही शेयर में गिरावट देखने को मिली और ये 214.20 रुपए तक लुढ़क गया। वहीं 2 फरवरी को टैक्स मार्को रेल 229.80 रुपए से ओपन हुआ और शुक्रवार को एक ऐसा समय भी आया जब कंपनी के शेयर 214.40 रुपए के लो पर पहुंच गए और क्लोजिंग के वक्त मामूली गिरावट, यानी कि 0.16% की गिरावट इसमें देखने को मिली और इसका क्लोजिंग प्राइस 215.85 रुपए था। पिछले एक महीने में टैक्स मार्को रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयर ने 25.65% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में शेयर ने 108.83% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। एक साल की अगर बात करें तो ये शेयर 330.27% चढ़ चुके हैं और 5 सालों में इसमें 304.95% का उछाल देखने को मिला है। अब देखना होगा कि क्या रेलवे शेयरों ने पिछले दिनों जो निवेशकों में उम्मीद बांधी थी क्या वापस रिस्टोर कर पाती है या फिर पूर्ण बजट का बाजार को इंतजार रहेगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि रेलवे के शेयरों का आगे ट्रेंड क्या रहेगा। लेकिन आप किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय लेना ना भूले और देखते रहे बिज़ तक।